हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आपने मेरा थंबनेल देख के तो पता लगा ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रेजन के टॉपिक पे बात करेंगे। रेजन बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, रेजन में क्या स्कोप है, रेजन क्या होता है, रेजन में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो मुझे DM में आते हैं, तो उसके टॉपिक पे बात करेंगे। वैसे तो मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें अभी बता दूंगी ताकि आप शुरुआत कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि क्या होता है रेजन। और सबसे पहली चीज़ ये है कि रेजिन होता क्या है। तो रेजिन एक केमिकल है जो हार्मफुल नहीं होता है, जिसको आर्ट में, क्राफ्ट में यूज कर सकते हैं हम। और सबसे पहली चीज़ है कि रेजिन इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी सी प्रिकॉशंस का करना पड़ता है, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो वो है कि जैसे हम आप हैंड ग्लव्स, मास्क वगैरह यूज कर सकते हैं जो आपको ऐसे हार्मफुल नहीं करेगा। तो रेजिन के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कौन से कलर होते हैं, कौन से मोल्ड होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, रेजिन कहाँ से लेना चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। कुछ चीज़ें जो मैं आपको पर्टिकुलर दिखा के बताऊंगी कि ये ऐसा होता है, मोल्ड होता है, कलर होते हैं, बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आप भी जानना चाहते हैं। मुझे मैसेज में, DM में, पर्सनल मैसेज में आता है बहुत सारे क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप सबके लिए एक बढ़िया वीडियो बनाती हूँ जिसके बारे में आप भी जानना चाहते हैं। और आप सब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कहाँ से ले, क्या करें, वो सब चीज़ें मैं भी आपको बताऊँगी। तो हम शुरू करते हैं कि रेजिन होता क्या है। तो रेजिन तो मैंने आपको भी बता ही दिया है कि केमिकल होता है एक, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होता है, क्राफ्ट में हम यूज़ करते हैं उसको। तो रेजिन आप बेसिकली शॉप है, कुछ शॉप है पर्टिकुलर, जैसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं अगर नहीं है, वरना आपको एक क्राफ्ट स्टोर पे ये चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी रेजिन आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, जैसे मैं लिंक आपको अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट वगैरह की मैं डाल दूँगी। लेकिन रेजिन को और रेजिन की चीज़ें क्या क्या होती हैं, जो उसमें उसकी जो सामग्री या जो हम बोल सकते हैं चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगी डिटेल बाई डिटेल कि क्या होता है। और रेजिन हम क्वांटिटी अभी हम शुरू करेंगे बिजनेस, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कम क्वांटिटी में यूज़ करें, कि हम शुरुआत कर रहे हैं तो इसलिए। तो वैसे मैं बल्क में ऑर्डर कर देती हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं इसका काम कर रही हूँ, और आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आप उसके लिए थोड़ी कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। जैसे 1 KG का भी आता है, 1/2 KG का भी आता है, और पिगमेंट भी ऐसे होते हैं कि छोटे आते हैं 20 ग्राम के समथिंग के, तो वो पिगमेंट क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगी अपनी वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था कि हम रेजिन के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसका हमें यूज़ करना होता है, उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहली तो हमारी ये है मेज़रमेंट मशीन, जिसका हमें यूज़ करना होता है रेजिन को सही रेशियो में इस्तेमाल करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम रेजिन का सही रेशियो में ही यूज़ करते हैं। जैसे कि जो मैं रेजिन यूज़ करती हूँ वो मैं 3:1 के रेशियो में करती हूँ, वो काफ़ी अच्छी है। अभी तक मुझे उसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कुछ नहीं मिला है, तो अभी तक काफ़ी अच्छा मुझे उसका रहा है कि वो काफ़ी अच्छी रही है रेजिन। तो सबसे पहले तो ये हो गया हमारा मेज़रमेंट वाला। इसी के साथ हमें ज़रूरत पड़ती है इसमें कुछ ये डिस्पोजेबल कप होते हैं जो आप यूज़ एंड थ्रो रहते हैं, उसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रेजिन लगने के बाद या इसका यूज़ करने के बाद ये कुछ वो करेगा, तो आप इसको फेंक सकते हैं यूज़ एंड थ्रो। या फिर ये सिलिकॉन कप्स होते हैं, तो ये एक स्मॉल साइज़ में है, ये सिलिकॉन कप, ये थोड़ा बड़ा साइज़ है, थोड़ा मीडियम साइज़ है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं इसका। और ये चीज़ें हैं, और साथ ही में आपको इसके साथ ही लगेगा कि आप ये होती है हीट गन, इसको हीट गन बोलते हैं। तो ये भी ज़रूरी है क्योंकि रेजिन को हमें इसको अच्छे से बबल्स ना रहें रेजिन में, वो एकदम क्लीन रेजिन, क्लियर रेजिन रहे, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है। तो ये हमारी हीट गन है, तो ये भी ज़रूरी चीज़ है। तो अभी आपको बताया कि जैसे सिलिकॉन कप्स ये होते हैं, ये कप केक हैं वे बेसिकली, लेकिन इसको भी आप थोड़ी रेजिन है, अगर आपको किरिंग बनाना है या कुछ करना है तो थोड़ी रेजिन के लिए भी आपको ये यूज़फुल रहेंगे। तो मैं इसका यूज़ करती हूँ, काफ़ी यूज़फुल हैं। और एक हमारे पास होता है कि हम सिलिकॉन की स्टिक्स यूज़ कर सकते हैं,
ये भी मिल जाती है आपको मार्केट में इजीली। और अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बेसिकली यही यूज़ करना है या आपको पर्टिकुलर सिलिकॉन ही लेना है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी मिल जाती है। और जैसा कि मैंने बोला था, रेजिन थोड़ा हार्मफुल ऐसे नहीं होती है, बस आपको अपने प्रिकॉशंस के लिए आप मास्क का यूज़ कर सकते हैं, इस मास्क का भी यूज़ कर सकते हैं आप। और मेन चीज़ है कि आप अच्छा क्वालिटी का मास्क भी ले सकते हैं, वो मैं आपको लिंक में डाल दूँगी इसकी। और इसी के साथ हमें ज़रूरत पड़ती है ग्लव्स की, तो मैं ये यूज़ एंड थ्रो के लिए इस्तेमाल करती हूँ कि मैं एक बार यूज़ करके इसको हटा देती हूँ रेजिन के साथ, ये यूज़ करके सिलिकॉन वाले, ये सॉरी प्लास्टिक वाले हैं ये, लेकिन अगर पॉलीथिन वाले ग्लव से, लेकिन अगर आपको अच्छे से यूज़ करना है या आपको लग रहा है तो आप मेडिकल वाला जो ग्लव्स आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मुझे ये सूटेबल रहते हैं, तो मैं एक बार यूज़ करके इसको हटा देती हूँ। इसी के साथ आपको लगेगा ग्लव्स के साथ आपको लगेगा कि आप ये टिश्यू पेपर्स भी रखें कि बाई चांस रेजिन गिर रही है या कुछ हो रहा है, तो उसको भी यूज़ में टिश्यू पेपर का यूज़ आप, नैपकिन पेपर का यूज़ आप कर सकते हैं। तो अभी तो हमारा ये हो गया कि हमें क्या क्या लगता है चीज़ें, तो ये हो गया। और साथ ही में अब हमें लगता है रेजिन का पिगमेंट, तो पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, तो जैसे कि ये होते हैं रेजिन पिगमेंट्स, जिसको मैं एपॉक वाले यूज़ करती हूँ या मुझे जो भी ठीक लगता है मैं उस टाइप का, मेरे पर्टिकुलर कोई अभी मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है कि जो मैं आपको पर्टिकुलर उसका नाम बताऊँ कि आप यहाँ से लें, आपको जो ठीक लगता है या जो आपको मिल सकता है आप उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पिगमेंट्स होते हैं। और उसी के साथ हमारे ये होते हैं मिका पाउडर, ठीक है, लेकिन ये ऐसा होता है कि ये थोड़े लाइट होते हैं और ये पिगमेंट थोड़े डार्क होते हैं, तो जैसे आपको अगर थोड़ा लाइट शेड देना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा डार्क शेड देना है प्रोडक्ट का तो आप ये वाले प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ये होती है अल्कोहल इंक, ये भी हम रेजिन में इस्तेमाल करते हैं, हमें बहुत लाइट शेड देना है या कुछ अच्छा शेड देना है वो आपके आर्ट के ऊपर है कि आपको कैसा देना है या आपके कस्टमर आपको किस टाइप का चाहते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तीन टाइप की चीज़ें होती हैं जो रेजिन में ज़्यादातर सब यूज़ करते हैं। इसी के साथ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको उसमें क्रिएटिविटी करने के लिए डालना है, अपने कीरिंग को या अपने दो तीन चीज़ों को जो आपको सही लगता हो उसमें आपको कुछ करना है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको अच्छे से क्रिएटिव कर बनाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो अभी तो ये हमारे पिगमेंट्स और इंक और मेकअप पाउडर वगैरह की बात हो गई थी, अभी रेजिन होती है, तो रेजिन की लिंक मैं आपको डाल दूंगी। एक्चुअली मेरे पास बल्क में होता है तो वो मेरे पास 5 kg का बॉक्स है, तो जो अभी आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगी तो आपके लिए मैं लिंक में डाल दूंगी। तो और सबसे पहले हमें जो हमने बात करी थी कि हमें और क्या क्या, तो ये होते हैं सिल्वर फ्लेक्स, ये बड़ा साइज़ है, आप छोटा साइज़ भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे कि ये मैंने छोटा लिया था गोल्ड फ्लेक्स का, तो ये है फ्लेक्स बोलते हैं इनको। और इसी के साथ ये गोल्ड था, सिल्वर था, ये कॉपर में आ जाता है, तो इस टाइप का है, ये सिल्वर है, तो आप देख सकते हैं। अब जो मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ वो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं ये सारी चीज़ों का यूज़, जैसे कि मैं आपको कीरिंग बनाने के लिए, आज हमारा रेजिन का कीरिंग का है, तो ये कीरिंग का मोल्ड होता है, तो अल्फाबेट कीरिंग का मोल्ड है, तो इसी टाइप से मेरे पास कीरिंग के कुछ मोल्ड्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में, ये सारे पिगमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं आप, इसमें अपने क्रिएटिव के अपने हिसाब से आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, क्राफ्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये हमारा हो गया, ये मेरा फुल मोल्ड है। इसी के साथ होते हैं कि कुछ मेरे मोल्ड्स के जो मैंने कटिंग करके रखा हुआ है, तो जैसे अगर मुझे कुछ एक या दो अल्फ़ाबेट, तो मैं पूरा मोल्ड ना निकालने की बजाय मैं ये छोटी कटिंग करके इसका यूज़ कर सकती हूँ मैं अल्फ़ाबेट्स का। तो ये मेरे सारे कुछ आइडिया अलग टाइप के हैं। और ये है हमारी ब्लो टॉर्च, तो इसको बोलते हैं ब्लो टॉर्च क्योंकि ये हमारी कभी बबल्स आ गए या कुछ है तो हम इसको इसका यूज़ करके और हम इसको बबल्स हटा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको हीट गन में बताया था कि आप हीट गन का बबल्स का यूज़ कर सकते हैं।
ऐसे ही मैंने कुछ चीजें रखी हुई हैं, जैसे मैंने कुछ रखा हुआ है ग्लिटर्स जो आपको इजीली जैसे स्टेशनरी की शॉप्स होती हैं उन पे मिल जाएंगी चीजें, या फिर आप पर्टिकुलर रेजन की शॉप से ये सब ले सकते हैं। तो ये हमारा आज कीरिंग से रिलेटेड सारा चीजें हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कीरिंग का मेरे पास और किस टाइप का मोल्ड है। तो ये हो गया एक ब्यूटीफाई वाला जिसमें हम फोटोज का यूज करके और कीरिंग का क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं। कोई अपना पर्सनल या किसी को फेवरेट सॉन्ग है तो वो भी बता के दे सकता है। वो आपके कस्टमर के ऊपर है कि वो आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं, उस टाइप का है। तो ये हो गया है। और इसी के साथ हमारे पास है जो डॉग लवर्स होते हैं उनके लिए है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि डॉग लवर्स के लिए, तो वो अपने डॉग का पर्टिकुलर नाम चाहते हैं। तो इसी तरह मैं आपको ये बताती हूँ कि डॉग का ये नेम आप इस पे यूज़ कर सकते हैं। अल्फाबेट्स बीड्स भी आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अपना ये इसी के साथ आप इसको स्टिकर्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ये गोल्ड मार्कर, और ये गोल्ड और सिल्वर होता है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमारे अच्छा बहुत अच्छा लुक देने के लिए इसका यूज़ आप कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ और क्या लगता है, और हाँ हमारे पास है एक हार्ट शेप का कीरिंग का मोल्ड। ओके, तो ये तो सारा मोल्ड है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको इसके साथ साथ वर्क करके भी दिखाऊंगी कि आप कैसे बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको अभी कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें बना रखी हुई हैं ऑलरेडी, तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि ये मेरे कुछ अल्फाबेट्स बनाए हुए थे, जैसे ये अल्फाबेट्स वाला मोल्ड हो गया, ये एक्चुअली ये है ये मैंने कीरिंग बनाए हुए हैं, और ये मेरी पैकेजिंग के लिए रेडी है जो मुझे अभी कुरियर करना है। ये मेरा हार्ट शेप का कीरिंग है जो मुझे अभी कुरियर करना है विद फोटो, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसी के साथ अभी मैंने लेटेस्ट में BTS लवर्स के लिए BTS के कीरिंग्स बनाए हुए थे, तो वो भी कर सकते हैं आप। ये भी एक अच्छा है कि लोग इसको पसंद करते हैं, तो ये भी चीज़ है। इसी के साथ मैंने अपनी अल्फाबेट्स को कुछ और क्रिएटिव करने के लिए मैंने इसे नाम के साथ इसको करा हुआ है, तो आप ऐसे भी करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, या डिफरेंट टाइप से जैसा भी आपके कस्टमर आपका डिमांड चाहता है वैसा आप उसको दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें कीरिंग बनाने के लिए कीरिंग में क्या क्या चीज़ें, तो जैसे कीरिंग का हमें ये चाहिए होते हैं, इसको आप लूप बोल सकते हैं, आपको जो भी आपको लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप गोल्ड यूज़ करना है आप गोल्ड यूज़ कर लें। ये हमें लगता है कीरिंग में होल करने के लिए, इसको ड्रिल बोलते हैं। ये तो होती है इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल जिसके ये सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये स्मॉल साइज के होल करने के लिए होता है। एक होती है हमारी हैंड ड्रिल, तो हैंड ड्रिल होती है वो ये होती है हैंड ड्रिल, तो आप इसको जैसे इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, ये ऐसे यूज़ हो जाएगी। ओके, और इसी के साथ हमें ज़रूरत पड़ती है ये इसको प्रेस करने के लिए, जिसमें प्लग करके ये इसको आप बोल सकते हैं या आपको अप्लायर बोल सकते हैं। ये वही है जो आपको पकड़ बना देगा चीज़, आपको अगर टाइटली हुक में टाइट करना है, जैसे कि आपको अगर ये है और आपको यहाँ पे इसको टाइट करना है तो आप ये इसे टाइट कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा चीज़ है कि अभी तक मैंने आपको ये बता दिया था कि हमारे पास रेजिन का क्या प्रोडक्ट का चीज़ें हैं। तो एक मेरे पास डिफरेंट टाइप का भी मोल्ड है, जैसे कि ये मोल्ड है, इसमें आप कपल कीरिंग बना सकते हैं। तो कपल कीरिंग जैसे कि मैं आपको डेमो में बता देती हूँ कि कपल कीरिंग के लिए, तो डेमो जैसे ये है, आप अगर कोई कपल है या उसको फोटोज़ करवानी है या सॉन्ग डलवाना है, जो भी वो करवाना चाहता है वो उस हिसाब से, या डेट ऑफ बर्थ अपनी मैरिज की या अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, तो वो अपना वैसे कर सकते हैं, अपना जो भी दिखाना देना चाहते हैं वो ये कपल की रिंग में यूज़ हो जाता है। तो ये है,
बाकी ये हमारे पास अभी आज की रिंग की ही सीरीज थी, जो पूरा मैं आपको अल्फावेट की रिंग हुए, प्लेन की रिंग हुए, हार्ट शेप वाले की रिंग्स हुए, और उसमें आप क्या क्या, आप डॉग लवर्स के लिए जो डॉग वाले की रिंग्स हैं या स्प्यूटिफाई वाले सॉन्ग वाले की रिंग्स बना सकते हैं। तो ये सारा प्रोडक्ट मेरा अभी आपका ये रेजन शुरू करने के लिए आपको स्मॉल साइज का चीजें, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए काम आएंगी। जैसे आप एक बार आपने ड्रिल ले ली, अभी आपके हमेशा ही काम आने वाली है। आपने ब्लो टॉर्च ले ली, इसमें सिर्फ गैस डलेगी और आपका ये काम आएगा। प्लस पिगमेंट है, ये बहुत थोड़े से यूज होते हैं तो ये भी आपके काफी चलेंगे। प्रोडक्ट आप कितना बड़ा बना रहे हैं फिर उसमें ज्यादा लगता है, अगर आप थोड़ा बना रहे हैं, छोटी चीज बना रहे हैं तो छोटा थोड़ा प्रोडक्ट थोड़ी चीजें लगेंगी। और इसी के साथ जैसे मेरे पास, मैं आपको अभी कीरिंग मैं मेकिंग कैसे कीरिंग मेकिंग कैसे होता है वो मैं आपको बता दूंगी। तो लेकिन अभी तक जो चीज़ें दिखाने की थी वो मैंने आपको बता दी। ये मेरे सारे रेडी कीरिंग्स हैं, जैसे ये अल्फाबेट कीरिंग्स हैं, ऐसे ये सब मुझे अभी मैंने लेटेस्ट बनाए हुए थे, तो जो मुझे अभी प्रोडक्ट को सेल करना है और मुझे उनको पोस्ट देना है। तो अभी तक लेटेस्ट हमारा ये सारा हुआ। हाँ, अब आपको मेन चीज़ बताती हूँ, अगर आप रेजन आप मोल्ड का यूज़ कर रहे हैं और एक बार यूज़ करने के बाद आपका रेजन का, अगर आपका ऐसा होता है कि ये यहाँ पे आपको लग रहा है डस्ट है या कुछ है, तो आप सेलो टेप लेके, सेलो टेप का यूज़ करके आप उसको ऐसे रेजन पे ऐसे रख के आप उसका डस्ट रिमूव कर सकते हैं, और फिर आप अपने प्रोडक्ट को आप रेजन का इस्तेमाल कर सकते हो और आपका प्रोडक्ट काफ़ी क्लीन आपको दिख मिलेगा यहाँ से। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है। आप चाहें तो वॉश भी कर सकते हैं अपने मोल्ड को, और अगर चाहें तो ये इससे भी क्लीन हो जाता है, इससे पूरी डस्ट उसके साथ टेप के साथ आ जाएगी। आप सेलो टेप का यूज़ कर सकते हैं और ईजी रहता है, ये सबसे ईजी काम है। तो ये है, अब सबसे मेन चीज़ है कि हम अगर कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, अभी तक तो ये हो गया था कि हमने ये बता दिया आपको, लेकिन अब हमें कुछ और क्रिएटिव करना है। तो जैसे हमारे पास है कि मैंने ये फ्लावर्स, ड्राई फ्लावर्स का पैकेट मंगा रखा है, तो ये हो गया ड्राई फ्लावर्स, ये भी हो गया ड्राई फ्लावर्स का प्रोडक्ट, वो है पैकेट, ये कुछ लीव्स हैं, और ये मेरे पास है कि बहुत छोटे छोटे से फ्लावर जो मैंने बहुत ही अच्छे से रखा हुआ है इसको सही तरीके से, ताकि वो उसकी लीव्स ना टूटे। तो ये मेरा कुछ अच्छे तरीके से, जैसे आप भी रख सकते हैं इसको, या आपको जैसे कन्वीनियंट हो आप वैसे रख सकते हैं। मैंने प्रॉपरली रखा हुआ है कि कुछ ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक रोज़ भी अगर वो ब्रेक हो गया तो फ्लावर थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा। जो प्रोडक्ट हम यूज़ करना चाह रहे हैं उसमें भी मज़ा है। कुछ ये लीव्स हैं और कुछ हमारे ये फ्लावर्स हैं, या हमारी ये लीव्स हैं या स्मॉल फ्लावर्स हैं, तो आप इसको भी कटिंग करके, या आप जैसे भी आपका प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्मॉल साइज़ के इसमें ये भी रखे हुए हैं, छोटे छोटे से हैं, इसको भी आप की रिंग में यूज़ कर सकते हैं। और भी प्रोडक्ट जो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो ये आपका आज हमारी की रिंग वाली सीरीज़ है, तो अभी तो फिलहाल हम की रिंग सीरीज़ पे ही काम कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको की रिंग से रिलेटेड चीज़ें बता दी गई, और वैसे आपको यही सारा कुछ आपको उस टाइम आगे की चीज़ों में भी यूज़ हो जाएगा, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी।
अभी तक जितनी भी वीडियोस आपने देखी है तो आई होप मुझे पता है कि आप सबको वो अच्छी लगेगी और आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। जो बेसिक अभी शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये वीडियो, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आपको इसी तरह और बहुत सारी वीडियोज़ जो आपके काम आएंगी वो सारी वीडियोज़ मैं ऐसे ही डालती रहूँगी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने इतनी देर तक मेरी वीडियो को देखा तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और काफ़ी मेरी वीडियोस को पसंद करा जाता है तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को भी बहुत पसंद करेंगे। और अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर कुछ बुरा लगा हो या कुछ आपको और पूछना है तो आप प्लीज़ मुझे DM कर सकते हैं और मैं आपको हर क्वेश्चन का आपके आंसर दूंगी। और जो भी कुछ इस वीडियो में रह गया होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं उसको प्रॉपरली आपको बता पाऊँ। वैसे तो मैंने होपफुली मैंने आपको सारा कुछ इसमें डिटेल बता दिया है और बाकी मैं आपको अभी वीडियोस में भी आपने देख ही लिया होगा कि मेकिंग वीडियो में कैसे इसको आप बना सकते हैं, और अभी मैंने आपको सारी डिटेल में बता ही दिया है कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मोल्ड कौन सा होता है, क्या होता है, किस टाइप का होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको अभी बता दिया है। तो जितना भी आपके क्वेश्चंस थे, आपका जो भी प्रॉब्लम्स थे या ड्राई, हाँ और मेन चीज़ है कि ड्राई कितनी देर में होता है ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस था। तो जो हमारी रेजिन होती है वो हमारी 24 to 48 hours लेती है रेजिन, इसको सूखने में टाइम लगता है। तो अगर आप छोटा प्रोडक्ट बना रहे हैं तब भी वो उतना टाइम लेगा, आप बड़ा प्रोडक्ट बना रहे हैं तब भी वो उतना टाइम लेता है, वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही रेजिन का यूज़ होता है। तो अभी तक फिलहाल मुझे लगता है कि आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर नहीं भी लगा हो तो आप लाइक डिसलाइक जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, पर मैं आशा करती हूँ कि आपको सबको अच्छा लगा होगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक ही करेंगे। तो बाकी थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, और नेक्स्ट सीरीज में हम मिलते हैं। ये हमारी की रिंग सीरीज थी कि हम अल्फाबेट की रिंग्स या हार्ट शेप की रिंग या और की रिंग्स कैसे बना सकते हैं। की रिंग की शुरुआत आपको बेसिक रहेगी, आप अपने आस पड़ोस में या अपने और अच्छे लोगों में आप सेल कर सकते हैं, अपने फेवरेट लोगों को भी आप दे सकते हैं की रिंग वगैरह, ऐसा है पर्टिकुलर उनके पर्टिकुलर नाम का अल्फाबेट्स का की रिंग रहेगा तो आप ये कर सकते हैं। और इसी के साथ हम अब कल शुरू करेंगे रेजन में रहल, जिसको हम हॉलीवुड स्टैंड बोलते हैं और रेजन रहल होती है, वो हमारी कल सीरीज शुरू होगी। तो जिसके लिए मैं आपको सारा कुछ बता दूंगी कैसे होता है, जैसे मैंने अभी आपको कीरिंग के लिए बताया ऐसी सेम हम वो भी आपको सारा कुछ बता देंगे। तो आप इसी तरह मेरी वीडियो में बने रहिए, इसके लिए थैंक यू सो मच।